अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त एवं भारत के सबसे पुराने प्राकृतिक चिकित्सालय आरोग्य मंदिर में बुधवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर लोगों ने सर्वांग मिट्टी लेपन का लाभ लिया। इस संबंध में आरोग्य मंदिर के डॉक्टर पीयूष पाढ़ी पांडे के निर्देश में चल रहे सर्वांग मिट्टी लेपन के बारे में डॉक्टर पांडे ने बताया कि संपूर्ण सृष्टि पांच तत्वों मिट्टी, हवा, धूप, पानी एवं आकाश से मिलकर बना है। इन सभी तत्वों से मिट्टी सबसे अधिक महत्व रखती है। जटिल से जटिल रोग भी मिट्टी के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं, इसमें धैर्य की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आरोग्य मंदिर के डॉक्टर पीयूष पांडे ने कहा, ये आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आरोग्य मंदिर में निःशुल्क सारे बदन की मिट्टी लेपन का कार्य आज शुरू किया गया है और इसको हम प्रति रविवार आज से लेकर अब जो भी रविवार पड़ेंगे हर रविवार को निःशुल्क मिट्टी लेपन का कार्य चलेगा और 10 नवंबर से 18 नवंबर तक लगातार होगा और 18 नवंबर को हम एशियन रिकॉर्ड बनाने के लिए ये शुरू किए हैं और हम एशियन रिकॉर्ड बनाएंगे आरोग्य मंदिर प्रांगण में। तो मेरा अनुरोध है आप सभी आइए और अधिक से अधिक मात्रा में निःशुल्क मिट्टी लेपन का लाभ उठाइए। मिट्टी लेपन के जो प्रमुख लाभ हैं मैं आपको बता दूं, आजकल जो भागम भाग लाइफ है, बहुत आदमी तनाव में रह रहा है, ब्लड प्रेशर है, बहुत क्रोधित हो रहा है, तो मिट्टी लेपन से आपके तनाव कम होते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं तो उनका क्रोध कम होता है, मन शांत होता है और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो त्वचा रोग, स्किन डिजीज़ जो है उसमें मिट्टी लेपन का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। अगर आप मिट्टी लेपन लगा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ जितने दिन हो रहे हैं इतने दिन लगा लें तो आपको तुरंत उसका लाभ दिखेगा अगर स्किन डिजीज़ है। और आजकल जो नसों की कमजोरी की दिक्कत आ रही, लोगों में कमर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उसमें भी मिट्टी लेपन का बहुत ही ज़्यादा लाभ है। तो हम मेरा अनुरोध है कि आप आरोग्य मंदिर आएं और मिट्टी लेपन से जो लाभ हैं उस लाभ को प्राप्त करें। बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज इसके नहीं है, सिर्फ आप नाम और अपना आधार नंबर हमारे यहाँ अंकित करा दें, रजिस्ट्रेशन करा लें और प्रत्येक रविवार होगा 18 नवंबर तक, तो इसका आके लाभ उठाएं। धन्यवाद।